पड़ोस में म्यूनिख से बचाकर लाई गई कुछ महिलाएं थीं। अचानक उस रात मुझे उनके रोने चीखने की भयानक आवाज सुनाई पड़ी। मैंने पूछा कि वहाँ क्या हुआ है, क्योंकि मैं सो नहीं पा रही थी। तो लोगों ने कहा कि कुछ लोग आए थे और उन्होंने महिलाओं के साथ बलात्कार किया। वो चीखें बहुत भयानक थी। मेरे लिए ये देश भर में फैली हुई आपदा की तरह थी, जिसने पूरी पीढ़ी पर असर डाला। इधर आओ जाने मन। मैंने 70 साल पहले ये बात ना जाने कितनी बार सुनी थी, क्योंकि मैं जंग की लूट थी, लूटी गई ट्रॉफी। उस एक लफ्ज में खौफ की इंतहा थी। हम इस बारे में जब भी बात करते, ये कहते कि मुझे ले जाया गया, जुर्म का एहसास होता, खुद से घिन आती। आम तौर पर आप कह सकते हैं कि इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया कि सभी सेनाओं ने, चाहे वो सोवियत संघ के रहे हों या अमेरिकी, फ्रांसीसी या ब्रिटिश, उन्होंने यौन हिंसा की। मुझे लगता है कि अगर हम दूसरों को छोड़कर सिर्फ रेड आर्मी के कारनामों की बात करते हैं, तो हम एक गंभीर विषय के बहुत आसान मॉडल में फंस कर रह जाएंगे। जंग के समय में महिलाओं के साथ रेप होना एक बहुत पुरानी परंपरा है। इससे विजेता सेना अपने विरोधी सैनिकों को जताती हैं कि तुम अपनी महिलाओं की सुरक्षा भी नहीं कर सकते। ये पुरुषों के सैन्य बल को जलील करने का एक तरीका है। मैं 40 सालों तक अपनी पहचान तलाशता रहा। अजीब बात यह है कि इस रेप ने ही दरअसल मुझे जिंदा रखा। यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध हाल ही में समाप्त हुआ था। जर्मन शहर खंडहर हो गए थे। 1945 में जंग और दुश्मनी की समाप्ति और एक नई शुरुआत के बीच के दिन अराजकता के साथ साथ उम्मीदों से भरे हुए थे। लेकिन ये वक्त खास तौर पर महिलाओं के लिए बहुत खतरनाक साबित हुआ। मेरा मोटा मोटा अनुमान है कि बलात्कार पीड़ितों की संख्या तकरीबन 9 लाख रही होगी। बलात्कारों की संख्या इससे भी ज्यादा होगी, क्योंकि बहुत सी पीड़ितों के साथ कई कई बार बलात्कार हुआ था। और ये बलात्कार किया था हिटलर के नाजी जर्मनी के आत्मसमर्पण के बाद शुरुआती हफ्तों और महीनों में मित्र देशों के सैनिकों ने। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और सोवियत रेड आर्मी के सैनिक, यानी वो लोग जो उन्हें नाजियों के चंगुल से छुड़ाने या बचाने आए थे, अब वही उन्हें लूट रहे थे। मतलब उन दिनों जर्मनी में रह रहा ऐसा कोई जर्मन परिवार नहीं था जिस पर किसी न किसी तरह से इसका असर न पड़ा हो। या तो पीड़ित सीधा उनके ही परिवार से होता, या वो इस खौफ में जीते कि कहीं ऐसा उनके परिवार के साथ भी न हो जाए। मैक्सिमिलियाने हाइगेल की मां मार्गो जब तक 80 साल से ऊपर नहीं हो गईं, तब तक वो सैनिकों और उन भयानक चीखों की बचपन की यादों के बारे में कुछ नहीं कह पाईं। 1945 के वसंत में अमेरिकी सेना ने हवाई हमलों के बाद बवेरिया के शहर लांडसहुट पर कब्जा कर लिया था। 4 साल की मार्गो, उनकी मां और एक चचेरी बहन ने एक तहखाने में शरण ली। वो सभी महिलाएं पुरुषों के बिना रह रही थीं। और फिर अप्रैल 1945 में जब लांडसहुट पर होने वाली बमबारी बढ़ गई, तो वे भागकर चर्च के ठीक बगल में स्थित एक घर में चली गईं।
जब अमेरिकी आए तो वो जबरन घर में घुस गए। वो बहुत बड़ी तादाद में थे और भारी हथियारों से लैस थे। उन्होंने घर को ऊपर से नीचे तक खंगाला और फिर एक बेडरूम की अलमारी में उन्होंने एक हैंगर पर नाजी सेना की वर्दी लटकी हुई देखी और उन्होंने पूछा कि ये आदमी कहाँ है, कहाँ है ये सिपाही। फिर वो और ज्यादा आक्रामक हो गए और महिलाओं को बेडरूम में ले गए। और वहाँ उनमें से एक सैनिक ने मेरी दादी को बिस्तर पर पटक दिया और उनके कपड़े उतारने लगा। मार्गो कई दशकों तक चुप रहीं। उनके परिवार में किसी ने भी अप्रैल 1945 के अंत में हुई घटनाओं का कभी जिक्र नहीं किया। आखिरकार एक दिन उनकी पोती मैक्सिमिलियाने ने अपनी दादी के बलात्कार के बारे में जानने के बाद अमेरिकी सैनिकों के बवेरिया में आने के समय के बारे में पता लगाने का फैसला किया। उन्होंने खासकर आसपास के गांवों में इस घटना के गवाहों की तलाश शुरू की, लेकिन किसी ने मुंह नहीं खोला। तो मैंने उत्तरी और दक्षिणी बवेरिया की सीमा पर बसे इलाके अल्टो एटिंग से अपना काम शुरू किया। वहाँ बहुत ज्यादा सामाजिक नियंत्रण वाला एक पारंपरिक कैथोलिक समुदाय रहता था। मुझे पता था कि वहाँ ऐसा कुछ हुआ था, फिर भी ऐसे लोगों को ढूंढने में करीब एक साल लग गया जो कुछ बताने को तैयार थे। हम सैनिकों से बहुत डरते थे। रूसी आ रहे हैं क्या? हमने उनके बारे में बहुत बुरा सुना था और सोचते थे कि काश अमेरिकी रूसियों से पहले पहुंच जाए। मई की पहली तारीख थी और हम वर्जिन मैरी की पूजा में थे। चर्च के भीतर टैंकों और गाड़ियों की आवाजें आने लगीं। अचानक पादरी ने कहा, दुश्मन जबरन हमारे गांव में घुस आया है, तुम लोग घर जाओ। महिलाओं और लड़कियों को दुश्मन के सामने अपना सम्मान बचाते हुए पेश आना था। वो ऊपर हमारे घर आए। दो युवा अमेरिकी थे और जब उन्होंने मेरी माँ और मेरी बहन को देखा तो तुरंत उन पर झपट पड़े। बलात्कार जंग में एक हथियार की तरह है और अगर सेना के कमांडर इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं करते, मतलब वो उसे होने देते हैं, बल्कि शायद वो अपने सैन्य उद्देश्यों के लिए ऐसा जानबूझकर करते हैं, क्योंकि सेक्सुअल वायलेंस एक तरह से इतनी निजी और गंभीर चीज है कि जो लंबे समय में पारिवारिक ढांचों, संबंधों, बल्कि सामाजिक ताने बाने को तोड़ सकती है। लियोनी बियालास ने फरवरी 1945 से जुड़े अपने दर्दनाक अनुभवों को लिखा है। उस वक्त उन्होंने रेड आर्मी को साइलेशिया की ऐतिहासिक राजधानी ब्रेस्लाउ की तरफ आगे बढ़ते हुए अपनी आंखों से देखा था, जिसे अब पोलैंड में व्रोत्सवाफ के नाम से जाना जाता है। कई बड़े शहर तबाह हुए लेकिन ब्रेस्लाउ नहीं हुआ। हमें शायद ही कभी हवाई हमले की चेतावनी मिली हो। और हम हमेशा कहते कि शायद कुछ ज्यादा बुरा होने वाला है। और फिर वो भयानक दिन आया। रूसियों ने ब्रेस्लाउ को चारों तरफ से घेर लिया और उसकी नाकेबंदी कर दी। ये माना जाता था कि शहर एक गढ़ है और रूसी यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इसलिए इसे खाली करने का आदेश बहुत देर से आया। हम
लियोनी बियालास उस वक्त महज 14 साल की थी। हम अंकल राइनहोल्ड के तहखाने में थे। वो मेरे पिता के सबसे छोटे भाई थे। मुझे अभी भी वो मंजर बिल्कुल साफ साफ याद है। हम घेरे में बैठे थे, इस तरह मैं यहाँ बैठी थी और मेरी माँ मेरे बगल में थी। माँ के दूसरी ओर मेरा सबसे छोटा भाई विनफ्रीड था। वो अंदर घुस आए और हम इसी तरह बैठे रहे। मुझे नहीं याद कि हम चिल्लाने लगे थे या रोए थे। हम वहाँ बैठे बैठे कांपने लगे। एक सैनिक अंदर आया, इधर उधर देखा, मुझे देखा और मुझे अपनी ओर खींचा और माँ चिल्ला उठी। मुझे अभी भी बिल्कुल याद है कि उसने कैसे मुझे जमीन पर पटका था और फिर वहीं ये सब हुआ। केवल मेरी माँ चिल्ला रही थी और फिर हम एक दूसरे को पकड़कर सिसक कर रोने लगे। लियोनी और उनकी माँ उन लगभग 14 लाख महिलाओं में से थीं जिनके साथ पूर्वी प्रशिया या साइलेशिया से भागते समय बलात्कार हुआ था, और वो भी अक्सर एक से ज्यादा बार। नाजी प्रोपेगेंडा में रूसियों को रेड मिनेस कहा जाता था, इसलिए सोवियत सैनिकों का बहुत खौफ था। उस समय के आम लोग स्लाव लोगों से बहुत डरते थे, क्योंकि उस समय नस्लवाद के आधार पर बनाई गई धारणा में उन्हें राक्षस, आदिम और बिल्कुल जंगली जानवरों जैसा समझा जाता था, लिहाजा उनसे डर भी ज्यादा लगता था। अडोल्फ हिटलर और उनके साथियों ने अपने प्रतिद्वंद्वी से अंतिम और भयानक रूप से बदला लेने की योजना बनाई। अपनी डायरी में नाजी प्रोपेगेंडा मिनिस्टर जोसेफ गोएबेल्स ने 1941 में सोवियत संघ पर नाजी जर्मनी के हमले के कुछ ही समय बाद हिटलर को कोट करते हुए लिखा, हमें बहुत सी बातों का जवाब देना है जिसके लिए हमें जीतना ही होगा, वरना हमारा पूरा राष्ट्र जिसके हम अगुआ हैं, हमारे सभी प्रियजनों के साथ मिट जाएगा, इसलिए आइए काम पर लगें। नाजी नेतृत्व सेना के विभिन्न अंगों के प्रमुख और यहाँ तक कि स्वयं सैनिक भी निश्चित रूप से पूर्वी क्षेत्रों में किए गए जर्मन अपराधों के बारे में जानते थे। उन्होंने ही इसकी इजाजत दी थी, उसे होते हुए देखा था या यहाँ तक कि खुद ही अंजाम दिया था। वो अच्छी तरह जानते थे कि अगर रेड आर्मी जर्मनी आई तो फिर भगवान ही बचाए। 1945 की शुरुआत में रूसी सेना बर्लिन से 80 किलोमीटर बाहर खड़ी थी और जर्मन राजधानी पर अपने हमले की तैयारी कर रही थी। यहाँ अभी भी करीब 30 लाख लोग रह रहे थे। महिलाओं में घबराहट बढ़ती जा रही थी। कई लोग दुश्मन से बचने के लिए खुदकुशी को ही एकमात्र रास्ता मान रहे थे। अप्रैल 1945 में बर्लिन में आत्महत्याओं की संख्या अपने रिकॉर्ड स्तर लगभग 4000 पर पहुँच गयी। मई 1945 को नाजी जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया। यूरोपीय धरती पर द्वितीय विश्व युद्ध की अंतिम सबसे बड़ी लड़ाई अब खत्म हो चुकी थी। बर्लिन जंग की बहुत बड़ी ट्रॉफी जैसा था। सैनिकों को जीत के रोमांच का आनंद लेने की खुली छूट दी गई। जीत की इस लहर की शिकार महिलाएं हुईं। ऐसा कहा जाता है कि रेड आर्मी के कुछ सैनिक अपने साथ एक पर्चा लेकर आए थे जिसमें लिखा था, जर्मन महिलाओं के नस्ली गौरव को कुचलो, उन्हें हक से लूटी हुई संपदा समझो। खैर, बदला लेना तो एक अहम या शायद सबसे अहम मकसद था, लेकिन दूसरी वजहें भी थीं, खासकर रेड आर्मी की अपनी अंदरूनी सैन्य संस्कृति, छुट्टियों पर पाबंदी, युद्ध में भारी नुकसान, सामंजस्य की कमी, अधिकारियों और हवलदारों का खराब व्यवहार जो ऊपर से नीचे तक दबाव देते रहते थे, और फिर इस दबाव को हल्का करने के लिए वो अपने सैनिकों को खुली छूट दे देते थे।
अमेरिकी सेना की तरह ही रेड आर्मी के लिए भी ये बात सच थी कि उनके मन में जर्मन समाज और जर्मन महिलाओं के नैतिक तौर पर भ्रष्ट होने की छवि थी, और इसलिए उनके साथ नैतिक मूल्यों को न मानने को वो सही मानते थे। पश्चिम से आती अमेरिकी सेना को देखकर जर्मन ज्यादा चिंतित नहीं थे। 1945 के मार्च में अमेरिकियों ने राइन को पार किया और अप्रैल आते आते वो थुरिंजिया पहुंच चुके थे। क्लाइनबार्ट लॉफ में गांव के पादरी ने राहत की सांस लेते हुए लिखा, अमेरिकी आ रहे हैं, एक तरह का उत्साह है लेकिन डर नहीं है, डर और खुशी के बीच का उत्साह, लेकिन खुशी ज्यादा थी। 3-4 महीने बाद सेना को चले जाना था। नौ महीने बाद कॉनराड यार का जन्म हुआ। उनके जन्म के तुरंत बाद उनकी मां ने उन्हें फॉस्टर केयर में डाल दिया। जब वो 8 साल के हुए तो उनकी फॉस्टर सिस्टर ने उन्हें वजह बताई। उसने मुझसे कहा कि 1945 में अल्टनबर्ग में कुछ अमेरिकी थे और तुम्हारी माँ एक अमेरिकी के प्रेम में पड़ गई और वही तुम्हारे पिता हैं। इस तरह तुम दुनिया में आए, और जब पहली बार मैंने ये सुना तो मुझे झटका नहीं लगा बल्कि राहत मिली, क्योंकि अब मुझे पता था कि मैं कौन हूँ। मेरे बाल लाल थे और मेरे दांतों के बीच गैप था। बचपन से ही मुझमें एक तरह की हीन भावना थी। मैं उनमें से नहीं था। मुझे नहीं पता था कि मैं कहां से हूं। मेरे सर पर किसी का हाथ नहीं था। मेरी रक्षा करने वाला कोई नहीं था। किसी ने मुझे गोद नहीं लिया था और बचपन में किसी ने मुझे सीने से नहीं लगाया था। कॉनराड एक जिद्दी बच्चा था जो जल्द ही पूर्वी जर्मनी की स्कूल व्यवस्था के लिए मुश्किल खड़ी करने लगा। उसके तीसरी कक्षा के रिपोर्ट कार्ड में कहा गया है कि वो लगातार क्लास में बदमाशियां करता है और अपने विदेशी होने पर गर्व करता है। उसके परिवार से कहा गया कि इससे पहले कि बहुत देर हो जाए वो उसे संभालें। मेरे लिए मेरे पिता ही मेरा सहारा थे। मेरा एक रहस्य था जो केवल मेरा था, जिसने मुझे ताकत दी। ये ऐसा था जैसे मैं एक मिशन पर हूँ कि दुनिया भाड़ में जाए, मैं एक अमेरिकी हूँ। एक दिन मैं यहाँ सब कुछ छोड़ दूंगा और अपने पिता के पास अमेरिका चला जाऊंगा। अमेरिकी सैनिकों से लोग उतना नहीं डरते थे और उनसे ये उम्मीद रहती थी कि वो अपने सैन्य नेतृत्व की सख्त आचार संहिता का पालन करेंगे। जर्मनी एक जीता हुआ दुश्मन देश था और उन्हें जर्मन लोगों से दूरी बनाए रखनी थी। अमेरिकी सैनिकों को ड्यूटी के लिए तैयार करने के लिए ट्रेनिंग फिल्में दिखाई गई थीं। आप जर्मन पुरुषों, महिलाओं या बच्चों के साथ नहीं घुलेंगे मिलेंगे। हर एक जर्मन हमारे लिए परेशानी का सबब हो सकता है, इसलिए किसी भी जर्मन व्यक्ति के साथ कोई भाईचारा नहीं होना चाहिए। भाईचारा मतलब दोस्ती, और जर्मन हमारे दोस्त नहीं हो सकते। आमतौर पर सेनाएं ये सोचकर भाईचारे पर रोक लगाती हैं कि उनके सैनिकों के स्थानीय लोगों के साथ घुलने मिलने से सेना कमजोर हो जाएगी। तो अगर वे निजी तौर पर संपर्क बनाना शुरू कर देंगे, जैसे मान लेते हैं कि शाम को बार में एक साथ बियर पी ली, तो वे कब्जे के अपने मुख्य लक्ष्य से भटक सकते हैं। लेकिन अमेरिकी सैनिक हमेशा आसानी से आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। बवेरिया को आजाद कराने में कई हफ्ते लग गए, जबकि कुछ जगहों पर जर्मनों ने बिना किसी लड़ाई के आत्मसमर्पण कर दिया। वहीं कुछ ही किलोमीटर दूर हिटलर की अंतिम टुकड़ियां जबरदस्त प्रतिरोध जता रही थीं, और इसका असर हुआ। अभी भी बहुत सारे नौजवान हथियार उठाकर अमेरिकी सैनिकों से लड़ने की कोशिश कर रहे थे।
ऐसा लगता है कि खासकर उन जगहों पर कब्जे का तेज विरोध हो रहा था जहां जंग के दौरान ज्यादा यौन हिंसा हुई थी। मोसबुर्ग बाईफ्राइजिंग की बात करते हैं। वहाँ युद्ध बंदियों का बहुत बड़ा शिविर था। वहाँ आगे बढ़ रहे अमेरिकी सैनिक देख सकते थे कि जर्मनी में उनके साथियों के साथ कैसा व्यवहार हुआ है। ऐसा लगता है कि खास तौर पर इससे अमेरिकी सैनिकों में काफी गुस्सा पैदा हुआ होगा। इस वजह से बड़ी संख्या में यौन हिंसाएं हुई जिन्हें व्यवस्थित रूप से अंजाम दिया गया। जाहिर तौर पर उन्होंने उन घरों पर निशान बनाए जिनमें संभवतः महिलाएं रहती थी और उन्हें साफ तौर पर शिकार की तरह देखा गया। मोसबुर्ग शहर के पादरी ने सैनिकों के आने पर एक रिपोर्ट लिखी जिसमें लिखा है, सोमवार को रेक्टरी के पास बलात्कार की पहली खबर पहुंची। यहां कोई संख्या बताना मुमकिन नहीं है। कई लड़कियां पहली मंजिल की खिड़की से बाहर सड़क पर कूद गईं और घायल अवस्था में वहीं पड़ी रहीं। रेक्टरीज उस समय उन जर्मन संस्थानों में शामिल थे जो काम कर रहे थे, इसलिए मित्र देशों के आगमन पर बवेरियन पादरियों की रिपोर्ट इतिहासकारों और मैक्सिमिलियाने हाइगेल जैसे पत्रकारों के लिए जानकारी का अहम स्रोत बनी हुई है। ये बाड़ राइशनहाल के सेंट निकोला पैरिश चर्च की रिपोर्ट है। एक तरफ ये मोटे तौर पर कहती है कि बड़ी संख्या में महिलाओं और लड़कियों का यौन उत्पीड़न हुआ। फिर यहाँ ब्रैकेट में लिखा है कि 200 की बात हो रही है। इस तरह पादरी ये साफ करता है कि उसे इस मामले की निजी तौर पर कोई जानकारी नहीं है। वो केवल वही बता रहा है जो शहर के लोग कह रहे हैं। और फिर कई बार पुष्ट की गई सूचना आती है कि अमेरिकियों के आने के बाद अपेक्षाकृत शांति थी, लेकिन उन्हीं दिनों फ्रांसीसी सेनाएं भी आगे बढ़ रही थीं और अफवाह ये थी कि वो भयानक ज्यादतियां कर रहे थे, मतलब नैतिक दृष्टि से महिलाओं और लड़कियों के साथ बुरी हरकतें की जा रही थीं। यहाँ लिखा है कि मोरक्को के काले लोग रात में जबरन घुसने के लिए हथियारों का इस्तेमाल करते थे। ये यहाँ पर खास बात है कि लूटपाट करने वाले सैनिकों के चमड़े का रंग भी बताया जा रहा है। फ्रांसीसी रेजिमेंटों ने, जिनमें उत्तरी अफ्रीकी मूल के सैनिक शामिल थे, खास तौर पर गहरा प्रभाव डाला। द गॉल की सेना बर्बर थी। वो चोरी डकैती करते और महिलाओं का पीछा करते थे। जवान लड़कियां खुद को कमरों में बंद करने लगीं ताकि सैनिक अंदर ना आ सकें। पहले फ्रांसीसी सेना ने भी यौन हिंसा के कारनामों को छुपा कर रखा, लेकिन जब आरोप तय हुए तो सैन्य अदालतों ने फ्रांस के औपनिवेशिक सैनिकों को खास तौर पर कड़ी सजाएं दी। उस समय न केवल जर्मन बल्कि ब्रिटिश, फ्रांसीसी और अमेरिकी समाज में भी कितना नस्लवाद था। ये दोषी ठहराए गए और सजा पाए अपराधियों की संख्या में दिखता है। ये एकदम साफ था कि मिसाल के तौर पर अमेरिकी सेना में काले लोगों पर ज्यादा आरोप लगाए गए और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी गई, यहाँ तक कि फांसी की सजा भी। फ्रांसीसियों ने फ्रांस जर्मन सीमा के इलाके पर कब्जा कर लिया। यहाँ दक्षिण पश्चिमी जर्मनी में फ्रांसीसी हमलावरों का बदला लेने का निर्दयी तरीका ही था जो लोगों की सामूहिक स्मृति में बसा हुआ है। रेड आर्मी के बाद जर्मन लोगों के बीच फ्रांसीसियों की छवि सबसे खराब है और ये बात यहाँ भी लागू हुई। लोगों को ये भी डर था कि फ्रांस पर 4 साल तक चले जर्मन कब्जे का बदला लेने के लिए जवाबी कार्रवाई हो सकती है, और सच में ऐसा हुआ। जब फ्रांसीसी दक्षिण पश्चिमी जर्मनी आए तो बहुत से यौन अपराध हुए। फ्रांसीसी कब्जे वाले इलाके में सैन्य गवर्नर के आदेश पर फ्रांसीसी सैनिकों से पैदा हुए बच्चों को रजिस्टर किया जाता था, इसलिए रिकॉर्ड पर यही दर्ज है कि ज्यादातर बलात्कार दरअसल औपनिवेशिक सैनिकों द्वारा किए ही नहीं गए थे। फरवरी 1946 में जन्मी अना रोजा आडम इन फ्रांसीसी बच्चों में से एक थी। वो अपनी नानी के पास कार्लसरूहे के पास एक गाँव में पली बढ़ी। उसे इस दुनिया में आने की अपनी कहानी का कुछ भी पता नहीं।
सिवाय इसके कि उसके पिता एक फ्रांसीसी सैनिक थे। 10 साल की उम्र में अना रोजा को एक दिन अचानक फ्रांस भेज दिया गया क्योंकि वो फ्रांस की बच्ची थी। जिस वक्त से मैंने वो जगह छोड़ी, मैं सदमे में थी। ये बहुत बुरा अनुभव था। मुझे बिना किसी जानकारी के अचानक एक नई भाषा वाले दूसरे देश भेज दिया गया, जहां मुझे ननों के साथ रहना था। ये मेरे लिए बहुत बड़ा बदलाव था। मुझे फ्रेंच सीखनी पड़ी। मैं वहां 3 साल तक रही और फ्रांसीसी महिला बन गई, एक मजबूर फ्रेंकोफाइल। मुझसे कभी नहीं पूछा गया कि मुझे क्या चाहिए। मुझे कभी कुछ नहीं बताया गया। मुझे उस वक्त तक कुछ भी मालूम नहीं था। जब मुझे पहली बार पता चला कि कोलमार शहर में एक संग्रहालय है, फ्रांसीसी संग्रहालय, और फिर मुझे गुस्सा आया कि मैं फ्रांसीसियों के लिए अनजान नहीं थी, बल्कि मैं यकीनन उनके दस्तावेजों का हिस्सा थी। फ्रांसीसी सैनिकों द्वारा पैदा हुए सभी बच्चों का जनरल कोइनिग के आदेश पर दस्तावेजों में रिकॉर्ड रखा गया था। इस दस्तावेज से अना रोजा को अपने पिता का नाम भी पता चला, रोबेयर। फिर भी वो उन्हें कभी ढूंढ नहीं पाई। ऐसा माना जाता है कि फ्रांसीसी कब्जे वाले इलाकों में हजारों महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ था। 1945 की गर्मियों तक उस यौन हिंसा के नतीजे साफ तौर पर दिखने लगे थे। कई महिलाएं अबॉर्शन करवाना चाहती थीं, लेकिन अबॉर्शन की इजाजत मिले इसके लिए ये जरूरी था कि उन्होंने पहले बलात्कार की रिपोर्ट लिखाई हो। लेकिन जैसा कि इस गायनोकोलॉजिस्ट ने लिखा है, ज्यादातर मामलों में लज्जा और कलंक के डर से अधिकारियों को रिपोर्ट नहीं किया गया, लिहाजा लगभग हर मामले में असली और फर्जी बलात्कार के मामलों को अलग करने के लिए बहुत लंबी जांच की जरूरत थी। महिलाओं की सेक्सुअलिटी को यकीन लायक नहीं माना जाता था, लिहाजा शक की स्थिति में फैसला हमेशा महिला के खिलाफ जाता था। हमेशा ये सोचा जाता था कि महिला ने पुरुष को फुसलाया होगा, उसकी कामुकता नियंत्रण से बाहर हो गई होगी, या फिर वो मैटेरियलिस्टिक होगी, उन सैनिकों से कुछ चाहती होगी और उसके बदले में खुद को सौंप दिया होगा या बेच दिया होगा। अना रोजा की माँ मोनिका ने भी उस समय के नैतिक नियमों को तोड़ा था। 1945 के वसंत में जर्मन शहर कार्लसरूहे के पास उनकी मुलाकात एक फ्रांसीसी सैनिक से हुई, जो अना रोजा के पिता बने। मेरी माँ बहुत कम बोलने वाली और संकोची महिला थी। वो ऐसी नहीं थी कि जिसने पहल की हो, इसलिए मुझे लगता है कि मेरी माँ के पास मौका था कि वो फ्रेंच से पैसे कमा सके। जब मोनिका एक फ्रांसीसी सैनिक से अप्रत्याशित रूप से प्रेग्नेंट हो गई, तो गांव में उसे द फ्रेंच मैंस डार्लिंग कहा जाने लगा और आखिरकार उसे मजबूरी में गांव छोड़ना पड़ा। जंग के बाद महिलाओं को आमतौर पर किसी फ्रांसीसी, अमेरिकी, अंग्रेज या किसी भी रूसी के साथ कोई भी संबंध रखने की इजाजत नहीं थी। फ्रांस में तो उन्होंने महिलाओं के सिर मुंडवा दिए और उन्हें गांवों की ओर भगा दिया। जर्मनी में भी कुछ खास अलग नहीं हुआ। महिलाओं को दुश्मन के साथ संबंध बनाने की इजाजत नहीं थी, लेकिन इससे रिश्ते बनने से नहीं रुके। जर्मनी के आत्मसमर्पण का प्रतीक शून्यकाल आने के बाद लोग अतीत को भूलना चाहते थे। सैनिकों द्वारा बलात्कार की शिकार जर्मन महिलाओं को भी अक्सर आंशिक रूप से दोषी ठहराया जाता था, इसलिए ज्यादातर महिलाओं ने आरोप नहीं लगाए। अपने पतियों और परिवारों के प्रति भी लाज, शर्म और अपराध की भावना उनमें बहुत ज्यादा रही। ज्यादातर महिलाओं ने संभवतः इसके बारे में कभी बात ही नहीं की, यहाँ तक कि अपने पतियों के वापस लौटने के बाद भी नहीं। साथ ही इस सदमे से निपटने के लिए कोई व्यवस्था भी नहीं बनाई गई थी। इसके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए जर्मन पुलिस या जर्मन अदालतों की ओर से कोई कानूनी ढांचा नहीं था। इस मामले के लिए कोई भी व्यवस्थित रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था भी नहीं थी। अनुमान है कि 1945 की गर्मियों से जाड़ा आने तक अकेले बर्लिन में
कम से कम 1,10,000 महिलाओं और लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ था और कईयों के साथ तो कई कई बार। हालांकि असल संख्या का केवल अनुमान ही लगाया जा सकता है। ये काम बर्लिन के हुम्बोल्ट यूनिवर्सिटी में आर्काइव जैसी जगहों पर पाए गए पुराने मरीजों के रिकॉर्ड और रजिस्ट्रेशन फॉर्म की मदद से किया जाता है। जैसे एम्प्रेस ऑगुस्टे विक्टोरिया हाउस चिल्ड्रंस हॉस्पिटल की फाइलें दिखाती हैं कि 1945 के अंत और 1946 की गर्मियों के बीच पैदा हुए 5% बच्चों के पिता रूसी थे। इनमें से कई मामलों में पिता के स्थान पर केवल रूसी लिखा है और ब्रैकेट में बलात्कार का जर्मन शब्द। इतिहासकारों का अनुमान है कि सोवियत संघ के कब्जे वाले इलाकों में जंग के बाद के शुरुआती वर्षों के दौरान 5,00,000 से अधिक महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ था। माना जाता है कि अमेरिकी सैनिकों ने 1,90,000 से अधिक सेक्सुअल असॉल्ट किए। ब्रिटिश सैनिकों की संख्या अभी भी मालूम नहीं है। मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी और बर्लिन के कब्जा किए गए इलाकों को 4 हिस्सों में बांट दिया। समय के साथ कब्जा करने वाले लोग आजादी दिलाने वाले बन गए। तब से मित्र देशों के सैनिकों के साथ प्रेम संबंध कोई बड़ी बात नहीं रह गई। जल्द ही जंग खत्म होने के बाद के शुरुआती हफ्तों में हुए अपराध बातचीत से गायब हो गए। यकीनन बहुत लंबे वक्त तक, बल्कि आज भी लोग मित्र राष्ट्रों द्वारा किए गए अपराधों के बारे में बात नहीं करते। इसकी दो वजहें हैं। एक तो वो आज हमारे सहयोगी हैं और दूसरा खासकर जर्मनी के लिए। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी के नाम पर हुए अपराधों को देखते हुए मित्र राष्ट्रों पर उंगली उठाना मुश्किल लगता है, क्योंकि फिर आप पर भी उंगलियां उठते देर नहीं लगेगी कि आप जर्मनों के अपराध बोध को कम करना चाहते हैं। सालों की राशनिंग और कमी के बाद जर्मन लोग स्थिरता पाने को तरस रहे थे। 1948 एक निर्णायक साल साबित हुआ। अमेरिकियों ने पश्चिमी इलाकों में लंबे समय से करेंसी रिफॉर्म की तैयारी कर रखी थी। इस वजह से जर्मनी आर्थिक रूप से दो भागों में बंट गया और पश्चिमी हिस्से में आश्चर्यजनक आर्थिक चमत्कार हुआ। इसके ठीक एक साल बाद देश का राजनीतिक बंटवारा हो गया। जर्मन गणराज्य ने 1949 में अपना पहला संसदीय चुनाव कराया। अपने चुनावी पोस्टरों पर क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी CDU ने रेड मेनेस का डर पैदा करने के लिए दुश्मन की रूढ़िवादी छवियों का इस्तेमाल किया। CDU उम्मीदवार कॉनराड आडेनावर नए गणराज्य के पहले चांसलर बने। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ। अब कब्जा खत्म हो चुका था और आडेनावर पश्चिमी देशों के साथ संबंध स्थापित कर चुके थे। इस नई परिस्थिति में ये पश्चिम जर्मनी के राजनीतिक हित में भी था कि मित्र राष्ट्रों के अपराधों का दोष पूरी तरह से सोवियत संघ पर रहे। खासकर शीत युद्ध के दौरान पश्चिम जर्मनी, पश्चिमी यूरोप और अमेरिका में रेड आर्मी के सैनिकों द्वारा की गई यौन हिंसा को अक्सर असभ्य या क्रूर कहा जाता रहा। हालांकि असल में प्रभावित लोगों की आवाजें, उनके भयावह अनुभव और तो और बल्कि असल अपराधी भी अनसुने रहे। आखिरकार 1992 में एक डॉक्यूमेंट्री ने एक बार फिर जंग के बाद जर्मनी में मित्र देशों की सेनाओं द्वारा किए गए बलात्कार के विवादास्पद विषय को उठाया। कॉनराड यार समकालीन गवाहों में से एक थे जिन्होंने अपने पिता के तलाश की निराशाजनक कहानी सुनाई। फिल्मकार हेल्के जांडर ने अपनी फिल्म बेफ्रायर उंड बेफ्राइटे में, जिसे लिबरेटर्स टेक लिबर्टीज के नाम से भी जाना जाता है, पीड़ितों, अपराधियों और बलात्कार से पैदा हुए बच्चों से बात की है। फिल्म ये बताती है कि कैसे दशकों तक जर्मन समाज मुख्य रूप से इन महिलाओं और बच्चों को उनकी किस्मत के लिए दोषी ठहराता रहा है। ये फिल्म इतिहास को आईना दिखाने के नजरिए से एक बेहद जरूरी फिल्म साबित हुई और बेशक ऐसा इसलिए भी था क्योंकि उस वक्त तक इस बारे में शायद ही कभी गंभीरता से सोचा गया था और मेरी माँ के मामले में मेरे सौतेले पिता ने इसे दबाने की हर मुमकिन कोशिश की। इसमें चौंकाने वाली घटनाएं मिलती हैं। ये बात इतने लंबे समय तक छिपाकर क्यों रखी गई थी? पहली बात तो ये कि महिलाओं को खुद अपने हितों के बारे में बात करने की आदत नहीं थी।
मुझे लगता है कि यही सबसे बड़ी वजह है और किसी ने भी उनकी मदद नहीं की। अगर उन्होंने इसके बारे में बात करने की कोशिश की भी तो उन्हें ही फिर से दोषी ठहराया गया। कई महिलाओं ने कहा कि उसके बाद अपने ही रिश्तेदारों के बर्ताव को झेलना बलात्कार के मुकाबले कहीं ज्यादा मुश्किल था। उनकी माँ के लिए कॉनराड यार का होना ही उनकी शर्मिंदगी का कारण था। धर्मशास्त्र की पढ़ाई करने वाले 22 साल के एक लड़के को उस चीज के लिए गुनहगार माना गया जिसमें उसका कोई हाथ नहीं था। 1968 में ये विद्रोही लड़का एक बार फिर अपनी माँ से मिलने और आखिरकार अपने पिता का नाम जानने के लिए कॉटबुस गया। मैंने उस अमेरिकी से मिलने का सोचा था। मेरी माँ ने मुझे किचन में आने को कहा। मैं बस बात शुरू ही करने वाला था कि तभी जोर से दरवाजा खुला और उसका पति रसोई के दरवाजे पर खड़ा था। वो चिल्लाने लगा, निकल जाओ यहाँ से, चले जाओ, भागो, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। यहाँ क्यों आए हो? इन्हें शांति से रहने दो, हमारा तुमसे कोई वास्ता नहीं है। अभी निकलो यहाँ से, भागो, यहाँ दोबारा मत दिखना। चार साल बाद कॉनराड यार को एक खत मिला जिसमें बहुत साफ शब्दों में एक संदेश था और ये उनकी माँ ने नहीं बल्कि उनके पति ने लिखा था। दूसरों में नहीं बल्कि खुद में गलती ढूंढो। तुम्हारे लिए हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, यही लिखा था खत में। अपनी पहचान, प्यार और अपनेपन के लिए जीवन भर एक अज्ञात पिता की खोज, इन सब बातों ने अना रोजा आडम को बहुत गहरे मनोवैज्ञानिक दर्द से भी भर दिया। आपको हमेशा लगता रहता है कि आपका एक हिस्सा गायब है और आपको हमेशा ये महसूस होता है कि जैसे आप कहीं के नहीं हैं, आप फ्रांस के नहीं हैं और आप जर्मनी के नहीं हैं। 1948 में अना रोजा की माँ की शादी एक फ्रांसीसी आदमी से हुई। उन्होंने भी अना रोजा को केवल शर्मिंदगी की नजरों से देखा। वो सख्त थे, बेहद सख्त, लेकिन असल में हमारा उनसे कोई रिश्ता नहीं रह पाया। मरने से कुछ वक्त पहले उन्होंने मुझसे कहा कि वो मुझे कभी बर्दाश्त नहीं कर पाए। मैंने पूछा, क्यों? मैं तो हमेशा एक अच्छी बच्ची थी, ये मेरे लिए बिजली के झटके जैसा था, पर यही सच था। पश्चिमी जर्मनी और पश्चिमी बर्लिन में बलात्कार से पैदा हुए 3,200 बच्चों को आधिकारिक तौर पर रजिस्टर किया गया था। फिर भी रिपोर्ट न किए गए मामलों की गिनती यकीनन बहुत ज्यादा थी। पश्चिम जर्मनी में सरकार और समाज ने इन महिलाओं और बच्चों की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। महिलाओं को युद्ध के पीड़ितों के रूप में मान्यता नहीं दी गई थी और इसलिए उन्हें मुआवजे का कोई हक नहीं मिला। ये बात शुरू से चर्चा का विषय रही ही नहीं क्योंकि सरकार न मुआवजा देने की हालत में थी और न देना चाहती थी। वो इस जंग में एक नागरिक के तौर पर पीड़ित महिलाओं को युद्ध में घायल हुए सिपाहियों के बराबर नहीं रखना चाहती थी। पूर्वी जर्मनी में रेड आर्मी के सैनिकों द्वारा किए गए बलात्कार पर भी कोई बात नहीं होती थी। बार बार कॉनराड यार ने कम्युनिस्ट अधिकारियों को उकसाया। 1986 में पूर्वी जर्मन अधिकारियों ने उसे पश्चिम भेजने का फैसला लिया। प्रोटेस्टेंट पादरी बनना चाह रहे कॉनराड यार को देश छोड़ने के लिए मजबूर किए जाने से एक दिन पहले वो आखिरी बार कॉटबुस गए। मैं आखिरी बार अपनी माँ से मिलना चाहता था। मैं केवल एक बार उस अमेरिकी का नाम जानना चाहता था, पर वो कुछ अजीब ढंग से रोने चीखने लगी और कहा, मुझे नहीं पता कि तुम क्या चाहते हो, मुझसे क्या जानना है तुम्हें, कोई अमेरिकी नहीं है। ये एल्स्टर वेल्डा की बात है। मैं ब्लैक मार्केट में एक जोड़ी जूते के बदले खाना खरीदने गई थी, तभी एक ट्रक आया जो रूसियों से भरा हुआ था। वो नीचे कूदे और बाजार पर छापा मारा। फिर वो मुझे एक खेत में ले गए
और जमीन पर पटक दिया। उनमें से एक ने मेरी कनपटी पर मशीन गन रख दी और दूसरे ने मेरे कपड़े फाड़ दिए और मेरे साथ रेप किया और फिर दूसरे ने भी ऐसा ही किया। और फिर उस 20 मिनट के भीतर मैं रूसी हो गया था। और इसके साथ ही मेरे कई सालों का ख्वाब कि मैं एक अमेरिकन हूं वो टूट चुका था। मैंने फरवरी से जून 1945 के बीच घटी घटनाओं को उसी तरह बताया जैसा मैंने उस वक्त महसूस किया था, यानी लगभग 15 साल के एक बच्चे के नजरिए से। लियोनी बियालास 94 साल तक जिंदा रही। जिंदगी के अपने आखिरी पलों में वो उस यौन हिंसा के दर्द को जो उन्हें 14 साल की उम्र में सहनी पड़ी थी भूलने में कामयाब हो गई थीं। वो कहती हैं कि अपने पति के प्यार की बदौलत वो एक खुशहाल इंसान बन पाई। हाँ, वो बहुत प्यारा था, बहुत प्यार करता था और वो जानता था कि मैं उससे डरती हूँ। हाँ, मुझे सही इंसान से भी डर लगता था, लेकिन उसने मुझ पर कभी दबाव नहीं डाला, हमारी सगाई के बाद भी नहीं। इसमें काफी वक्त लगा, हाँ काफी ज्यादा। इसके लिए मुझे अपने पति मार्टिन और अपनी माँ का शुक्रिया कहना होगा कि जबकि मुझे भी हैरत होती है, लेकिन आज मैं इसके बारे में बेझिझक बोल पाती हूँ।